खंडवा जिले में लगातार ग्राम पंचायतों के ग्रामीण अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जनपद पंचायत पंधाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पांडलिया के ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने की शिकायत करते हुए बताया कि हमें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, साथ ही मजदूरी नहीं मिलने के कारण मजदूरों को पलायन करना पड़ता है, पर सरपंच सचिव अपनी मनमानी के चलते शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रख रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में अपनी पीड़ा बताई और सरपंच सचिव के समस्त कार्यों की जांच की मांग की है। गौरतलब है कि सरपंच सचिव ने बताया कि ग्रामीण जो शिकायत कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, वो सब बेबुनियाद हैं। और ससुर सरपंच काम नहीं देते गरीब मजदूर को, और गरीब मजदूर बाहर गांव में कमा के लाते और गांव में खाते बैठ के, और गांव में काम नहीं मिलता और उनको कुछ भी नहीं मिलता गांव में, और खोली भी नहीं मिलती। और मैं गरीब जनता के लिए लड़ता हूं और इनके जो भी काम रहते हैं मैं हमेशा करता हूं। आगे रहने वाले पाडल्या के जनपद पंचायत पंधाना, आज एक हितग्राही ने मेरे को बताया, बोले भाई मेरी कुटीर 2022 में मेरा नाम आ गया था, कंप्लीट बता रहा है आ गया था, तो कुटीर 2022 में किसको दे दिए? जब इनका लड़का किसी कंप्यूटर पे गया तो उसमें दिलीप मांगीलाल के नाम से कंप्लीट बता रहा है, तो इन्होंने सरपंच के वर्तमान सरपंच जो है मुकेश पटेल उनको बोला भाई ये कुटीर मेरी तो प्रधानमंत्री आवास की ये कंप्लीट बन गई है, तो बोले यार भाई मेरे हाथ का नहीं है, तुम इसकी जाँच करवाओ, जहाँ भी आपको जाना हो वहाँ जाओ। नहीं, प्रधानमंत्री का आपको तो काटने का अधिकार नहीं है किसी को, और जो नियम अनुसार अपने बटी प्राइवेटी जो नंबर है उसी नंबर के हिसाब से अपने बटी, इसका नाम रहेगा सूची उसको देगा, अपन को किसी का आपके बीच में जोड़ने का अधिकार भी नहीं है। 2018 की सूची है, सर्वे सूची, उस समय में जो नाम जुड़े हैं उसी